बड़ी खबर से बुलेटिन शुरू करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एफआईआर दर्ज की। दीपक बैज पर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। बिलासपुर के अस्पताल के वीडियो को गुजरात का बताकर पोस्ट किया, ये आरोप लगा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर। बिलासपुर के अस्पताल के वीडियो को गुजरात का बताया। मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी अपनी बात कही है। कहा, मैंने बिलासपुर अस्पताल की बदहाली का वीडियो पोस्ट किया, मुझे एफआईआर की जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में भाजपा की सरकार है, सरकार सच दबाने का प्रयास कर रही है। मैं भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसीलिए मुझे दबाने का प्रयास हो रहा है, ये कहना है दीपक बैज का। वीडियो में मरीज के इलाज में लापरवाही के आरोप लगाकर दीपक बैज ने बदहाली का जिक्र किया था और इस पोस्ट को लेकर अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर है, अहमदाबाद साइबर सेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज पर एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर अपनी सफाई दी है। अहमदाबाद साइबर सेल ने भ्रामक जानकारियों का जिक्र किया है। दीपक बैज ने कहा कि उन्होंने एक अस्पताल इसका ही वीडियो पोस्ट किया था, बदहाली की खबर दिखाई थी। बैज पर गलत वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर हुई है। बताया गया कि वीडियो बिलासपुर का है, अस्पताल का, जबकि उसे गुजरात का बताया गया और इसी को लेकर अहमदाबाद साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है। और संदीप शुक्ला सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रायपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, एक बड़ा और गंभीर मामला है, पहले तो मामला दर्शकों को समझाएं, ये वीडियो कब पोस्ट किया, नीचे क्या लिखा, क्या इस बिलासपुर के वीडियो को गुजरात का बताया गया है? देखिए, जो एफआईआर दीपक बैज के खिलाफ दर्ज हुई है उसपे ये आरोप है कि दीपक बैज ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसपे गुजरात के अस्पताल में मरीज को बहुत गंभीर हालत में सड़क जमीन पे सोते हुए दिखाया गया था और गुजरात अस्पताल की बदहाली पर जो है ये वीडियो पोस्ट किया गया था। दीपक बैज पर ऐसा आरोप लगा है। आगे ये लिखा है कि उस पर एक महिला ने उस वीडियो को शेयर भी किया जिससे गुजरात सरकार की बदनामी हुई और ये जानकारी भ्रामक और झूठी है, इसलिए दीपक बैज के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अभी हम जब जाके उस एक्स पोस्ट पे दीपक बैज जी के देख रहे हैं तो 6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट जरूर किया गया है लेकिन वो बिलासपुर का बताया जा रहा है। उस पर एक मरीज जमीन पर लेटा हुआ है और वो बदहाली पर व्यंग कस रहे हैं सरकार की। दीपक बैज से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात सभी जगह भाजपा की सरकार है, मैं लगातार भाजपा से लड़ रहा हूं और इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है। मैंने मरीज की बदहाली पर वीडियो पोस्ट किया था जो कि बिलासपुर का है, उन्होंने वीडियो दिखाया भी तो हमने पूछा कि क्या पहले ये गुजरात का था और बिलासपुर का बाद में इसे एडिट किया गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने बिलासपुर का और बदहाली पर कुल मिला के एक वीडियो पोस्ट किया था, तो भाजपा उन्हें दबाने का काम कर रही है, तो उन्होंने राजनीतिक जो हमला है भाजपा पे किया है। अब पूरा विषय यह है कि इस मामले में वो भी उन्होंने जब उनका जो सोशल मीडिया हैंडल करते हैं उनसे भी उन्होंने जानकारी मांगी है, तो अब ये देखना होगा पुनीत जी कि क्या उस वीडियो को गुजरात का बताकर पोस्ट किया गया, बाद में उसे एडिट किया गया, या फिर बिलासपुर का वीडियो था और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो गलत है। क्योंकि एक बात ये भी सामने आई कि एक महिला ने वीडियो को गुजरात का बताकर फिर से रिपोस्ट किया है, तो दीपक बैज और उनके जो लीगल सेल के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने बिलासपुर का वीडियो बताकर पोस्ट किया था, उस महिला ने उसे गुजरात का बजाकर पोस्ट कर दिया, तो इसमें दीपक बैज की या कोई हैंडलर की गलती नहीं है। तो ऐसे राजनीतिक एलिगेशन भी लग रहे कि अनावश्यक इन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब जब सामने आएगा, जांच होगी, तब पता लगेगा कि दीपक बैज जी ने इसे सीधा सीधा गुजरात सरकार की बदहाली बताकर किया था, बाद में एडिट किया गया, इसकी सच्चाई क्या है वो जांच पर ही सामने आएगी। लेकिन फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है, लगातार उन्होंने दक्षिण की कमान संभाली हुई है, सुबह शाम लगातार बैठक ले रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ऐसा मामले में सच्चाई है पुलिस या संदीप दीपक बैज पर एफआईआर होना मतलब पुलिस के पास में कोई तो आधार इसका होना चाहिए, जबकि वो खुद बता रहे हैं कि बिलासपुर का है। ये एफआईआर कहां हुई है? जैसा आपने बताया है कि साइबर सेल इसको लेकर शिकायत के ऊपर काम कर रही थी, तो ये शिकायत है या बाकायदा एफआईआर हो गई है? क्या दीपक बैज को इस बात की जानकारी हो पाई है? ये मीडिया से जानकारी मिलने के बाद क्या उन्होंने कंफर्म किया है कि उन पर एफआईआर हुई है?
देखिए दीपक बैज अपने लोगों से बात लगातार इस मामले में कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें एफआईआर की जानकारी मिली है और जो राष्ट्रीय मीडिया है तमाम, आप देखिए सभी में सुर्खियां बनी हुई है कि दीपक बैज के खिलाफ जो है एफआईआर है, अंग्रेजी हिंदी तभी तमाम राष्ट्रीय मीडिया में। दीपक बैज खुद भी नाराज है इस मामले में कि पोस्ट को कैसे मैनिपुलेट किया गया, लेकिन अधिकृत रूप से वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने बिलासपुर का पोस्ट किया था। एफआईआर आपको बता दें कि गुजरात का जो अहमदाबाद का साइबर सेल है वहाँ पर जो है एफआईआर हुई है और यही जानकारी अभी मिली है। अब इस पर एलिगेशन जो पुलिस ने लगाई है वो किस स्तर का ये देखना होगा, क्योंकि चलिए पहले आपको और दर्शकों को संदीप हम एक बार सुनवाते हैं, दीपक बैज का जवाब क्या है इस पर। अब शायद मैं तो आपके बोलने से मुझे पता चल रहा है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और कुछ भी पोस्ट करते जिम्मेदारी से करते हैं। ये हमारा पोस्ट है 6 दिन पहले का, ये देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ हमारे बिलासपुर का अस्पताल का है और हम लोगों ने इसमें शेयर भी हम लोगों ने बिलासपुर ही लिखा है। तो दीपक बैज दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं कि देखें आप सामने ये पोस्ट उन्होंने किया था, लेकिन तीनों जगह सरकार है बीजेपी की तो उनको फंसाया जा सकता है क्योंकि वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का स्वागत करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी आप क्या कहेंगे इस मामले पर, दीपक बैज कह रहे हैं पोस्ट बिलासपुर का ही किया है और उनके ऊपर एफआईआर हो रही है क्योंकि तीनों स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय श्रीवास्तव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आप बताएं, दीपक बैज जी के ऊपर एफआईआर की जानकारी है, क्या जानकारी आप लोगों को सब लोगों को लग पाई है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि ये बिलासपुर का वीडियो था जो उन्होंने पोस्ट किया और सबको दिखाया। अब सीधी सीधी बात ये है पाठक जी, जो माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि हमने बिलासपुर का ही वीडियो उसमें पोस्ट किया है, ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता लोग ला करके सब सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं, और जब वो बोल रहे हैं कि हमने बिलासपुर का कैप्शन लिख के बिलासपुर के ही पोस्ट किया है, ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिलना और लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को उसके नेताओं को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है ये उसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा हो सकता है। अब सबसे मुख्य बात यह है कि माननीय दीपक बैज जी ने जो कहा है उससे ज्यादा अधिकृत रूप से मैं और क्या कह सकता हूँ, वो जो कह रहे हैं वो बात सही है। सुरेंद्र जी अभी चुनाव का समय चल रहा है, एक तो यहाँ रायपुर दक्षिण सीट के ऊपर उपचुनाव हो रहा है, उसमें नेता पहुंच रहे हैं, सभी मंचों पर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ दो दो स्टेट्स में चुनाव हैं, क्या ये बदनाम करने की साजिश मात्र है, क्योंकि आगे जाकर आज के दौर में सोशल मीडिया पर आप जो भी डालते हैं उसके सारे ट्रेसेस निकाले जा सकते हैं, अगर ये झूठ है फॉल्स है तो आज नहीं कल सामने आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो आने वाले समय में जो अदालत निर्णय करेगी क्या सही है क्या गलत है, मगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि कांग्रेस को घेरने का, कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का, कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेलने का, और मैं आपको बता रहा हूं इनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, दक्षिण में कांग्रेस जीत रही है मैं आपको बता रहा हूं। हमारे साथ में संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, लगातार हम उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, संजय जी जैसे जुड़ते हैं उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल क्या कांग्रेस इसके खिलाफ कोई स्टेप लेगी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लीगली इसमें आगे बढ़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से अगर अदालत से कोई नोटिस मिलती है, अभी एफआईआर की सूचना मिली है, और अगर विधि सम्मत कार्रवाई होगी तो हम विधि सम्मत जवाब देंगे, अगर किसी तरह का आरोप लगेगा न्यायालय है, न्यायालय के समक्ष सारे तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी हाँ। संजय जी दीपक बैज जी के ऊपर आरोप है भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का, बिलासपुर का वीडियो गुजरात का बताया, वे कह रहे हैं मैंने बिलासपुर के नाम से पोस्ट किया, सबको दिखा भी रहे हैं और तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, बदनाम करने की साजिश है। देखिए सबसे पहले तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, यहाँ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले कानून संविधान और जो व्यवस्थाएं देश के अंदर है उस पर विश्वास करना चाहिए।
लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकारों पर सीधे कि तीनों स्टेट में हमारी सरकार है तो हम गलत करेंगे, ये सबसे इस सोच के साथ यदि राजनीति करेंगे तो शायद ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हम ये माने कि कर्नाटक के अंदर में या हिमाचल में कहीं पर इनकी सरकार है, यदि बीजेपी के खिलाफ में होता है तो आप जानबूझकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं? तो पहले तो समझदारी के साथ में बातचीत करने की आवश्यकता है। दूसरा, अब चूंकि मुझे भी जानकारी पूरी नहीं है इसमें कि क्या है क्या नहीं, मैंने पोस्ट नहीं देखा है, लेकिन फिर भी यदि दीपक बैज जी के ऊपर में यदि गलत तरीके से कहीं कोई प्रकरण बना है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई विषय ही नहीं बनेगा। न्यायालय और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, वैसे तो इनको कानून पर विश्वास रहता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसको देखने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि गलत जगह की गलत जगह पोस्ट करके और उसको पोस्ट अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया जाता है, तो इसकी सत्यता को देखना पड़ेगा आखिर क्या है। चलिए, दोनों दोनों पक्ष आप दोनों ही ये कह रहे हैं कि इस मामले को देखना पड़ेगा, और जैसा भी हम कह भी रहे हैं कि आज के दौर में सब चीज़ें सोशल मीडिया पर हर ट्रेस मिल जाता, दिख जाता, सत्य देख भी लेते हैं और सोशल मीडिया यूजर्स को भी पहले पता चल जाता है। आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं, और जो जानकारियाँ और सामने आएंगी, डिटेल सामने आएगा किस पक्ष के बात में या बयान में सत्यता है, वो भी खुलकर सामने आएगी।